हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि मैं इतिहास का पेपर लेके आ चुका हूँ, वो भी 18 मार्च को जो पेपर होने वाला है कक्षा 12वीं वालों का। तो कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को पूरा देखें। जो जो कक्षा 12वीं में पढ़ता है वो इतिहास विषय लिए हैं, तो उनको तो बिल्कुल खुशखबरी ही है। तो क्योंकि ये सेट ए है, इसका संपूर्ण सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। बिल्कुल पूरा लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपके पास में समय काफ़ी ज़्यादा कम है और कम समय में हम इसकी पूरी तैयारी कराने वाले हैं, वो भी 80 नंबर की। साथ ही इसमें आपको आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आप लोग किसी पर कन्फ्यूजन ना हो, आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार दिक्कत ना आए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से पूरा इंटरफेस रहेगा आपके पेपर का। साथ ही आप लोग देख सकते हो, सब प्रथम रहेंगे आप लोग सामने सही विकल्प जो आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चुनकर लिखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बंगाल में भू राज्य संबंधी स्थाई बंदोबस्त, या बोल सकते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो बच्चों, ये जो बंदोबस्त है जो कब लागू किया गया था, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता तो उनको बता देता हूँ। इसका सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1793 ईस्वी में किया गया था। दूसरा लिखा, 1857 के विद्युत का तत्कालीनकरण क्या था। तो क्या तत्कालीनकरण क्या था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सा नंबर, चलवी वाले कायथूस। नंबर तीसरा लगा, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो कब किया गया था, 1930 में किया गया था। इन्हीं सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला लिखा है चौथा प्रश्न, जिसमें लिखा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। तो कौन से, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, यानी द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, जो संविधान सभा है तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपके हो जाएंगे द ऑप्शन सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लोग पूरा कंप्लीट करते जाएगा। साथ ही आप लोग चाहो तो इस वीडियो को एक बार नहीं, हज़ार बार भी देख सकते हो, बिल्कुल फ्री है। साथ ही आप लोग इनको ट्रैक करते जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो ये 6वां प्रश्न है। भारतीय संविधान लागू कब किया गया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो सभी बच्चा जानते हैं कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हो, तो नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, साथ ही जो 7 नंबर में दिए गए हैं, चलिए हम इनको भी पूर्ति करते हैं। पहला लगा, सुल्तान जहाँ बेगम की शासिका थी, तो ये कहाँ की थी, तो ये थी आपकी कहाँ की थी, तो ये भोपाल की थी। तो इसमें आपको क्या भर देना है, भोपाल। ठीक, दूसरा लगा आप लोग सामने, अल बिरूनी गजनी के सुल्तान खालिस्तान के साथ भारत आया था। तो किसके साथ भारत आया, तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी। ठीक, इतना तो आप लोग लिखे हुए लोगे, इतना 12 के बच्चे हैं। ठीक, इस प्रकार तीसरा लगा, कबीर के गुरु का नाम क्या था, तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। क्या था, रामानंद। ठीक, चलिए चौथा लगा, विजयनगर राज्य के संरक्षक देवता माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, तो विरूपाक्ष माने जाते हैं, विरूपाक्ष। ठीक, ये माने जाते हैं। पाँचवा लगा है, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास चार रहने वाले लोगों को कहा जाता था, तो इसको क्या क्या कहा जाता, तो कहा जाता था पहाड़िया। ठीक, पहाड़िया, पहाड़िया लिख देना। ठीक, छठ में लगा, बम्बई दक्कन में भू राज्य की व्यवस्था लागू किया गया था, तो इसका हो जाएगा आपका लियतवाड़ी। ठीक, लियतवाड़ी व्यवस्था। ठीक, ये हो जाएगा लियतवाड़ी। सात में लगा, गोद निषेध नीति का प्रतिपादन था, तो कौन था, तो इसका होता लॉर्ड डलहौजी। ठीक, डलहौजी। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने 7 नंबर के रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप लोग सामने सही जोड़ी आपको कंप्लीट करना है, ताकि आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग इनको पूरी अच्छी तरह से कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि आप लोग सामने लिखा है पंच महाभारत, तो इसका हो जाएगा जैन धर्म से, किससे, जैन धर्म से। दूसरा लिखा विनय पटेक, तो विनय पटेक का हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा, एक मिनट बच्चों हमको गलत नहीं करनी है बच्चों, तो विनय पटेक का हो जाएगा आपकी बौद्ध शिक्षा से। तीसरा लगा भावद्वित, तीसरा आपका है भावद्विता, तो इसका हो जाएगा वैष्णव धर्म से। ठीक, इस प्रकार से सिद्धांत, इस सिद्धांत का हो जाएगा महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धांत। ठीक, अब इबनतुता, तो पाँचवा हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर रेहला से, इससे। और बर्नियर का हो जाएगा आपका ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही जुड़ी हो जाती है, जो 6 नंबर दी गई हैं, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और, नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द के उत्तर दीजिए। तो इनका उत्तर देखने से पहले मैं आप लोग बता दूं, कक्षा 12वीं वाले बच्चे हमसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुके हैं, यानी उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि मैंने जो पेपर बताए थे, यानी कि जो मैंने मोस्टिंग बताई थी, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी है और काफ़ी ज़्यादा फंसे हैं, तो भी अच्छे नंबर से पास होने की संभावना है, इसलिए आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको मैं आगे बताऊँगा। ठीक, चलिए
सबसे पहले कहा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी 1921 में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ठीक, चलिए दूसरा कहा हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे था, तो किस नदी के किनारे था, तो आप लोग हो गए प्राचीन 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 सरस्वती सरस्वती नदी। ठीक, ए लग रहा है। ठीक, फिर आपका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो आप लोग हो गए चाणक्य। ठीक, फिर आपका जैन धर्म की में कितने तीर्थ हुए हैं, तो कितने तीर्थ हुए हैं, तो 24 हुए हैं। ठीक, 24 लिख देना है। पांच वाला कहा महात्मा बुद्ध के सच्चे ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहा जाता है, तो आप लोग हुए संबोधि। क्या कहा जाता है, संबोधि। ठीक बच्चों, छठ वाला आप लोग सामने अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था, तो अलबरूनी का वास्तविक नाम था अबू रिहान। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। एक शब्द कहता है हम बात करते हैं सत्तासत की, तो बच्चों सत्तासत की बात करते हैं तो आपका जो है ना, तो अलबरूनी ईरानी भाषा का एक महान विद्वान था, तो असत हो जाएगा। मुगल सम्राट बाबर प्रतिपक्ष चंगेज में खां बन सकता, असत हो जाएगा। मुगल राज तीसरा मुगल काल में बाई कस्ता किसान जिस गांव में रहते उसे खुशी, ये भी असत हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में पेरिस, ये भी असत हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, ये भी असत हो जाएगा। छठवां भारतीय संविधान दिवस समारोह, तो इस प्रकार से असत दिए गए हैं। लेकिन बच्चों वहाँ पर एक दो तीन या तीन असत भी आ सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से आप पूरे असत नहीं लगाने हैं क्योंकि पेपर में कभी भी असत नहीं आते, इस प्रकार से आपको वहाँ पर देख के भी लगाना है। ठीक, चलिए बच्चों हम बात करते हैं दो दो नंबर की, तो दो दो नंबर में आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। स्टूडेंट इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सबसे आप लोग गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करते ही आप लोग सामने इस प्रकार इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप लोग लिखना है स्टडी नोट्स पीजे। ठीक, जैसे आप लोग स्टडी नोट पीजे लिखोगे सबसे ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आप लोग सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा, तो आप लोग लिखा है स्टडी नोट्स पीजे डॉट कॉम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग सामने कुछ नया इंटरफेस आ जाएगा जो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, तो जस्ट आप लोग को इंस्टॉल करते जाना है। यहाँ पर कई प्रकार के बोर्ड दिए हैं, एम पी बोर्ड, ए पी बोर्ड, यू पी बोर्ड, तो एम पी बोर्ड के हो तो एम पी बोर्ड पर क्लिक कर देना है। एम पी बोर्ड पर क्लिक करते ही आप लोग सामने इस प्रकार नया इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्लास 12th दी गई है और 10th भी दी गई है। जैसे यहाँ पर 10th क्लास है, यहाँ पर 12th क्लास है। यहाँ पर विषयवाद दिए गए हैं, विषय है हिंदी विज्ञान, और यहाँ पर सेट दिए हैं। अब जो भी सेट का आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो उस सेट पर, जैसे कि मैं यहाँ पर सेट पर क्लिक किया, सेट पर क्लिक करते ही आप लोग सामने जस्ट नीचे चले जाना है आपको, जैसे यहाँ पर पूरा पेपर दिया गया है पेपर पूरा, और जस्ट नीचे लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। ठीक, यहाँ पर जैसे अभी आप लोग देख सकते हो, तो डाउनलोड जैसे ये लिखा ना डाउनलोड का ऑप्शन, तो इस वाले डाउनलोड के ऑप्शन आपको क्लिक करना है। 15 सेकंड का एक ऐड आएगा, उस ऐड को देखने बाद आपके मोबाइल पे एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, वो आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सारे के सारे दो दो नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इन प्रश्नों के सभी के उत्तर आपको सीख के जाना है, रट के सीख जाना है। ठीक, तो अगर आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर चाहते हो तो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। इस प्रकार से बच्चों पूरा पेपर देख लीजिए बच्चों, पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे के पूरे इस प्रकार से आएंगे। ठीक, साथ ही बच्चों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, अब बच्चों हम बात करते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करने, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,